नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम एमए प्रीवियस इतिहास के चतुर्थ प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे और चतुर्थ प्रश्न पत्र में हम दुर्गों का अध्ययन कर रहे हैं और राजस्थान के कुछ प्रसिद्ध दुर्ग हैं। इन दुर्गों के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम लोहागढ़ किला, जो भरतपुर जिले में स्थित है, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। भरतपुर में लोहागढ़ का किला 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों की तोपों के सामने शक्तिशाली सुरक्षा कवच और अविजित योद्धा सिद्ध हुआ, इसीलिए यह लोहागढ़ कहलाता है। यहाँ का ऐतिहासिक जामा मस्जिद 90 वर्ष में बनकर पूरी हुई। हिंदू राजाओं द्वारा बनाई गई यह जामा मस्जिद हिंदू मुस्लिम एकता का जीवंत प्रमाण है। इसकी मीनाकारी दर्शनीय है। इसे यहाँ विद्यमान गड्ढे भरकर बनाया गया था, इसीलिए इसका नाम भरतपुर रखा गया। वीर शासक जवाहर सिंह द्वारा दिल्ली विजय के बाद दिल्ली से लूटकर लाए गए दरवाजे इस किले के द्वार की चौखट में लगे हैं। इसमें एक अष्ट धातु द्वार भी है। भरतपुर किले की मिट्टी भी की मजबूत एवं विशाल दीवार पर चारों दिशाओं में 6 मील दूरी तक की मारक क्षमता वाली भारी तोपें वीर योद्धाओं की याद दिलाती है। किले के चारों तरफ 50 फुट गहरी खाई है, जो 1.5 मील वृत्ताकार है। युद्धकाल में शत्रु की तोप का गोला इसी खाई और मिट्टी की शक्तिशाली दीवार में धस कर ठंडा पड़ जाता था। जाट राजा जवाहर सिंह निर्मित श्वेत संगमरमरी जौहर बुर्ज की मेहराबों पर गीता रामायण की प्रमुख घटनाओं का चित्ताकर्षण चित्रण दर्शनीय है। प्राचीन परंपरा अनुसार इसी बुर्ज पर बैठकर उत्तराधिकारियों का अभिषेक भी किया जाता था। किले के अन्य कई दर्शनीय इमारतें भी है, जिनमें किशोरी महल खास, कोठी खास, दादी माँ का महल, वजीर की कोठी, दरबार खास में भरतपुर का अजायब घर बना हुआ है, जिसमें शिलालेख, मूर्तियां, हथियार व अन्य पुरातत्व महत्व की सामग्री दर्शित है। किले का मुख्य द्वार सुदृढ़ एवं भव्य है। इसके पार्श्व भाग पर दोनों ओर 60 से 80 फुट ऊंची विशाल बुर्ज खड़ी है। पार्श्व के बुर्ज के मध्य 2 अर्धचंद्राकार बुर्जें खड़ी है। प्राचीरों के शीर्ष भाग तथा बुर्जों के बीच तोपों की गोलियों की मार के स्थल बने हुए हैं। इसके साथ ही एक किले के से थोड़ी दूर पर शहर में गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और जामा मस्जिद की कलात्मक दीवारें हैं। महाराजा सूरजमल एवं मराठों के मध्य समय पर मित्रता एवं विरोध होता रहा। उस समय एक तरफ दिल्ली में मुगलों और दूसरी तरफ मराठों और तीसरी तरफ बाहरी आक्रमणकारियों को रौंद भी इस किले को सहनी पड़ी। सन 1805 में जब अंग्रेजी सेना ने यशवंत राव होलकर का पीछा करते हुए पहले डीग तथा फिर भरतपुर किले को घेर लिया, तो महाराजा रणजीत सिंह ने यशवंत राव होलकर को भरतपुर किले में पनाह दी। इसके बाद सन 1805 में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने विशाल सेना एवं बड़ा तोपखाना लेकर भरतपुर के किले को घेरा। उस समय ब्रिटिश सेना में 65 बड़ी तोपें थीं। किले में महाराजा रणजीत सिंह ने भी 8,000 जवान एकत्र किए। 7 जनवरी 1805 को किले की मोर्चाबंदी करने के बाद ब्रिटिश फौजों ने हमला कर दिया। अंग्रेज फौजों ने 3 बार आक्रमण किया, लेकिन भरतपुर की सेना ने इन सभी हमलों को नाकाम कर दिया। यशवंतराव होलकर का सेनापति अमीर खां बाहर से अंग्रेजों को युद्ध सामग्री और रसद पहुंचाने में बाधा डालता रहा। अंत में अंग्रेजों को संधि करनी पड़ी। यशवंतराव होलकर को अंग्रेजों को नहीं सौंपा गया। इस प्रकार अंग्रेजों की भरतपुर दुर्ग पर हुई पराजय सर्वत्र चर्चा का विषय बनी। इति नमस्कार।